Hello guys, reporting day one, Monday. 3:30 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म बंद करके सोई क्योंकि आदत नहीं है. कल बहुत ट्राई किया 10:30 बजे से सोने का, पता नहीं कब नींद आई थी लेट, लेकिन 3:30 में ज़्यादा नींद आ रही थी. लेकिन आई एम हैप्पी कि आज मैं 7 बजे ही उठ गई हूँ. आँखों में नींद है अभी भी, पर कहीं से तो शुरुआत हुई, तो देखते हैं कि 7 बजे उठ के भी कुछ प्रोग्रेस होती है क्या. Hey guys, surprise. So we are going to welcome surprise package from my mom. हाँ, दोनों आए ना बेटा. Very good. शुरू कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग के लिए. वाओ, टीवी का तो वो है, टेबल थोड़ा साइड में करूँ क्या, लैपटॉप आप फिट नहीं करेंगे ना, दूसरा बंद आएगा. और फिल्टर, फिल्टर आ रहा है दूसरे गाड़ी में. अच्छा ठीक है. मैम ऐसे डील होगा आपके पास? नहीं, ऑर्डर किया. प्लीज का हेल्थ अपडेट. प्लीज कैसे हो आप? अच्छे हो. ये कॉलर इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनके पैर में इन्फेक्शन था, तो इसे चाटती थी. अभी गुस्सा करी निकाल देंगे हम, अरे निकाल देंगे. ओज बोबो से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बेड में खेल रही है ये. तो चलिए देखते हैं हफ्ता कैसे जाता है और मिलते हैं जल्दी ही. रात में नींद लेट आई, 9 बजे सो उठी, फिर से प्लान किया. जब हम चाहते हैं तो नहीं उठ पाते 3:30, और बीच में कुछ टाइम ऐसा था कि मैं सुबह 3:30 ही उठ जाती, क्यों नींद खुल. वेदर बहुत चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन कोशिश करेंगे सक्सेस होने के. हाय किशोर. हेलो पापा, आप मेरे सर पे आके क्यों सो रहे हो? अब उठ ही जाते हैं, मतलब देखते हैं कब होगा कामयाब सुबह उठने का जज्बा, है ना. दोस्तों 4 बजे का अलार्म लगाया था, स्नूज करके सो गई. अभी बज रहे हैं 5:30. थोड़ी जागी जागी सी तो हूँ, बस सोने का दिल कर रहा है. थोड़ा अच्छा है, प्लेजेंट, थोड़े तो पीस भी आती चाह रही थी. क्या हो रहा है यहाँ पे? आज 1 जून है, आँख तो खुल गई है. आशा करती हूँ कि जल्दी ही इस हफ्ते में उठ के सुबह योगा और एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी. अभी थोड़ा अच्छी वाली खुमारी है, सो जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए. तो मिलते हैं थोड़ी देर में. ओके कबूतर उठ ही जाते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो ये है मेरा हाल बिस्तर का, और ये है मेरा हाल. तो आज है June 3rd, और जो मेरा प्लान था सुबह 3:30 बजे उठने का, लाइफ ने कुछ और प्लान बना लिया. और जब मैं डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए गई तो उन्हें पता चला कि जहाँ वो मेरा यहाँ कोई ब्रिज विज था, एक दाढ़ बचाने के चक्कर में 3 दांत निकल गए. एक एक्सट्रैक्शन ही बहुत पेनफुल होता है, आप सोचिए मेरे 3-3 एक्सट्रैक्ट हो गए, और इतनी सारी फिर दवाइयाँ भी खा रही हूँ. मुझे अपना डाइट भी ब्रेक करना पड़ा, मैं ओट्स खा रही हूँ. तो ये रहा अपडेट. फिर मैंने सोचा बता ही देती हूँ, यार प्लान तो अच्छा था मगर लाइफ ने कुछ और प्लान किया तो प्लान फ्लॉप हो गया. और ये बताना ज़रूरी है हमको क्यों लाइफ में ये कंपल्शन होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, हम लोगों को बताएं हम कितने फिट हैं, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितना अचीव करते हैं.
लोगों को ये क्यों ना बताया जाए कि भाई माजरा कुछ और ही हो जाता है कभी कभी। वैसे पीस की तबीयत तो ठीक हो गई है, फिर पीस कहाँ है ढूंढते? पीस कहाँ हो? ओहो पीस यहाँ है। तो इनके हमने बाल ही निकाल दिए थे बेबी के। बेबी आप कैसे हो? कैसे हो? तो इसको एसी में ठंड ना लगे इसलिए टी शर्ट पहनी रहती है मैडम आजकल। मैडम आप घूम के आई आई आप घूम के हेलो बोल दो सबको। हेलो आई एम गुड नाउ सी पोकी माफ पा हूँ। मैं ट्रीट भी खाती हूँ। तो पीस के बहुत मज़े हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ खा रही है। वो वाटरमेलन खा रही है, मैंगो खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, क्योंकि दांत निकालने का एक फ़ायदा होता है कि जी भर के आइसक्रीम खाओ। एक ही दिन में थक गई थी मैं आइसक्रीम खाते खाते, और जब नहीं खा सकते तो लगता है यार आइसक्रीम खा लूँ आइसक्रीम खा लूँ। तो ये है लाइफ की दुविधा हमारी, जो हमें हंसते हंसते लेनी चाहिए। गाल मेरा पूरा सूजा हुआ है अभी भी, यहाँ पे भी सेंसेशन है। दवाई बहुत ज़ोरदार चालू है, तभी नींद आएगी जैसे दवाई खाऊँगी। कोशिश करूँगी वीलॉग एडिट करके आज डालूँ। द फ्लॉप शो, द फ्लॉप शो ऑफ दिस वीक। पर कोई बात नहीं, ईश्वर ने चाहा अगला वीक मिलेगा तो हम फिर वही कोशिश करेंगे। अभी 5 दिन तो मेरा बिल्कुल रेस्ट है, तो 5-6 दिन मैं कुछ बनाऊँगी नहीं। अगर कुछ खाना बनाया तो बस उसी का डाल दूँगी, वरना मिलते हैं जब मैं ठीक हो जाऊँगी। आप भी अपने आप को स्वस्थ रखिए, टाइम टू टाइम जाके डेंटल चेकअप कराइए। पता चला पूरा दांत सड़ जाता है फिर वो निकाल ही देते हैं। वो जो शॉक होता है ना और हिलना, चाहे कितना उस समय पेन किलर या एनेस्थीसिया दो, बाद में जो होता है वो तो अल्लाह जाने और हम जाने। ठीक है, तो अच्छा वीकेंड गुजारिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हम जल्दी ही मिलते हैं जब मैं ठीक हो जाऊँगी। ओके, तब तक के लिए ये नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, चल भाग जाओ, ट्रीट मिल गया। बाय शिवा, बाय बाय।